गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जीएससी थर्ड ईयर के डियर एनालिस्ट में अगले वीडियो लेक्चर में टेलर फॉरम बिजनेस इकोनॉमिक एंड जॉब फॉरम ऑफ टेगा करते हैं। इससे पहले इसी प्रकार की हम दो फॉरम के बारे में पढ़ चुके हैं, कई इसी प्रकार की प्रमे थी जिसमें एक जो है आपके टेलर फॉर्म विथ लांग्राज फॉर्म ऑफ इवेंटर की थी और एक जो है टेलर फॉर्म विथ कॉपिक फॉर्म ऑफ इवेंटर के रूप में। पिछले वीडियो में हमने इन दो समय को पढ़ा था। इसी कड़ी में इसी प्रकार से सेम थिंग प्रोफिकर बिल्कुल सेम है। इन तीन ही प्रमे का तीनों में से अल्टरनेटिव में एग्जाम में आती रहती है। यह टेलर फॉर्म विथ इकोनॉमिक्स एंड ग्रॉसेस फॉर्म ऑफ पेमेंट, इसका कथन क्या कह रहा है कि इसके फंक्शन एज डिफाइंड इन ए टू ए प्लस आई एज सच है ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव अप टू एन माइनस वन एफ एन यानी कि एफ एन माइनस वन आर कंटिन्यूअस इन क्लॉज इंटरवल एंड एफ एन इज एक्टिव इन ए टू ए प्लस एंड आल्सो पी बिलोंग टू एन कैपिटल एन यानी कि पी एक ऐसी ताकत है क्या इस प्रकार है कि ये जो है हमें इसको करना है जो क्वेश्चन को हमें प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए हमने पिछले प्रमेय में भी और उसमें भी हमने चर्चा की थी कि हमें फंक्शन डिफाइन करता है आई के रूप में हमें फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एफेक्ट होता है, इन टर्म्स ऑफ एफेक्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ एंड पावर ऑफ के रूप में होता है। तो ये तीनों ही प्रमेय में थोड़ा सा इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आपको टेलर फॉर्म इकोनॉमिक्स के रूप में है तो ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, कोरिलेट है। तीनों की तीनों प्रमेय उन्हें हमें कि जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की जो बात कर रहा हूँ फाइल उसको बड़ा सावधानी से आप लिखें, लिख कर ध्यान दें कि हम किस फॉरम का जो है फाइल लिखे हैं। तो फाइल को हमने यहाँ पर लिखा है, हम सपोज करके चलते हैं इसमें और इसके पैरेलल भी जो है इसमें हमारे पास एक कॉन्स्टेंट हम देते हैं, एक अचर हम देते हैं एक के रूप में और उस एक को कॉन्स्टेंट भी प्रकार से लिया जाता है कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ए ये कॉन्स्टेंट है सब टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट कि फाइव ए प्लस एच इज इक्वल टू फाइव। दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ फॉर्म्स फॉर ये डिफाइन करने का तरीका है। ये रोल करने की तीस शर्त को हम अधमतम करके मानते हैं, चल मान करके चलते हैं कि ये फंक्शन जो है रोल प्रमेय की एक ही शर्त को संतुष्ट अवश्य है। इसके साथ साथ हम फर्स्ट दो रोल प्रमेय की जो फर्स्ट सेकंड कंडीशन होती है उसमें भी हम ये फाइल के लिए हम यहाँ पर प्रूव करके बताएंगे कि फाइल ऑलरेडी डिफेंसिबल है, कंटिन्यूसली है एंड फाइल जो है ए इक्वल टू फाइव ई अर्थात ये जो जो छोर बिंदु यहाँ पर जो अंतराल के जो दे रखे हैं फाइव ए ए प्लस एच के रूप में बी की जगह यहाँ पर ए प्लस एच है और यहाँ पर ए का तय करते समय हम बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे कि फाइव ए प्लस ए इक्वल टू फाइव ए प्लस एच। ये हम तय में बिल्कुल तीनों ही प्रमेय में ताकि रोल प्रमेय को फाइव सेटिस्फाई कर सकें और यही एक सिमिलर तीनों में समान प्रक्रिया है। तीनों ही प्रमेय में एक दूसरे के बहुत पैरेलल और ज़्यादा में एक दूसरे से कोरिलेट है, समानताएं हैं। तो हमें इसकी तैयारी करते समय ये ध्यान रखना कि ए जी कॉन्स्टेंट है सब टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट की फाइल टू बी सेटिस्फाइड दिस कंडीशन जो कि रोल प्रमेय की तीसरी शर्त के अकॉर्डिंग है और दो शर्तों को संतुष्ट करवा करके इसको भी हम साथ में लिख करके हमारे जो प्रमेय का हम जो कथन जिसको हम चाह रहे हैं उसको हम सिद्ध कर पाते। तो इस प्रकार से
जहां ए को एच आर आती है, इसलिए हम इस प्रकार से चुनते हैं कि फाइव ए प्लस एच इक्वल टू फाइव ई या फाइव ई इक्वल टू फाइव ए प्लस एच। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब हम फ्रॉम इसका समीकरण का जो है हम फर्स्ट से यूज करेंगे सेकंड का, और हम इसमें पाएंगे कि फाइव ए प्लस एच इक्वल टू, क्योंकि एक बार आप यहाँ पर फाइव में ए प्लस एच पुट करते हैं, समीकरण एक में अब क्योंकि ए प्लस एच पुट करते हैं तो बी की दैट से फ्रॉम द सेकंड टर्म ऑल टर्म्स आ जाएंगे, सभी की सभी चीज हो जाती है। तो फाइव ए प्लस जो एच है, यहाँ हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर हमें ये प्राप्त होता है, इसको हम समीकरण नंबर तीन प्रोवाइड करते हैं, समीकरण तीन। इस प्रकार से एक बार हम इसी इक्वेशन फर्स्ट में एक्स को ए पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक्स को ए पुट करने के लिए फाइव ए ऐसे प्लस ए से ए कैंसिल हो जाता है, एच एफ ए से प्लस ए से कैंसिल हो जाता है, एच स्क्वायर और फैक्टोरियल से एच डबल ए से प्लस अप टू फोर ए से ए कैंसिल, एच की पावर एन माइनस वन फैक्टर एन माइनस वन एफ एन माइनस वन ए एच की पावर पी एन। ये हमें एक समीकरण नया प्राप्त होता है एक्स को ए पुट करने से, इन द अपोजिशन फंक्शन फाइव एक्स में एक्स को ए पुट करने से एक नई समीकरण जाता है। इसमें समीकरण में तीन और चार का जो है हम एक तरह से दो में प्रयोग करते हैं, तीन और चार का दो में इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीन और चार में हम देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर फाइव ए प्लस एच है और समीकरण दो में फाइव ए प्लस एच है जो है फाइव ए के इक्वल है, तो कह सकते हैं पिक्चर में कि समीकरण तीन और चार के एल एच एस इक्वल है। सिंपल सी बात है, जब समीकरण तीन और चार के एल एच एस इक्वल है तो इस समीकरण दो का प्रयोग करके ही इनका इसको यूँ कह सकते हैं कि जब ये समीकरण दो के द्वारा equation by equation 2, LHS of equation 3 and 4 are equal, so RHS must be equal, and we get F A plus F equal to F A plus F A plus F square upon factorial 2 F double A plus F upon F the power N minus 1 upon factorial N minus 1 F n minus 1 a plus f p power p and capital. This is the equation number 5. ये हम एक समीकरण जो है 5 प्राप्त कर लेते हैं, समीकरण 2 3 4 की सहायता से। तो इस समीकरण में समीकरण 5 में हम a का हम मान ज्ञात करके हम पुट करते हैं। देखिए इसमें a का मान ज्ञात करके पुट करने के लिए सबसे पहले हम r1 के रूप में रोल करने के प्रथम तत्व के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम ये कहेंगे कि फंक्शन जो फाइव है दैट इज द कंटिन्यूस इन ए टू ए प्लस एच, फंक्शन फाइव है इसलिए संतत है ए टू ए प्लस एच, बिकॉज क्योंकि इक्वेशन जो फर्स्ट है इसकी जो आरएचएस है उसका इज एन एवरेज सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है कंटिन्यूसली एंड जब इस फंक्शन इक्वेशन का प्रत्येक पद जो है जैसे कि एफ को आपको कंटिन्यूसली दे रहता है, एफ एक्स को दे रहता है, एफ डबल एक्स को दे रहता है, एंड सिमिलरली इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एफ एन माइनस वन तक के सभी स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि एंड द मल्टीप्लीकेशन के रूप में अरे हर एक पद की हर एक असेंडिंग ऑर्डर में एफ की जो पावर है वो भी बढ़ती जा रही है, पहले के साथ एफ की एक पावर है तो फिर एफ की दो पावर है, इस प्रकार से एन माइनस वन तक की पावर उसमें जो दो फलन है और ये फंक्शन बहुत आप करता है कंटिन्यू
भगवान कंटिन्यूस जब समीकरण एक का प्रत्येक पद संकल्प है तो इकाइयों का भी संकल्प होगा, संकल्प लोग भी कहते सो भी कैंसर है हाई एग्जाम तो कंटिन्यूस तो हाई एक यहाँ पर रोल करने की सभी जो रोल करने की जो खास कंडीशन है उसको यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। इसी प्रकार से सेकंड जो है फाइव डेट का डेरिवेटिव की बात करें तो इसका डेरिवेटिव फाइव का डेरिवेटिव एक का आप अवकलन करेंगे तो अड्डे सकते कई बार जो अवकलन होगा कई बार छोड़ देंगे तो इसके अवकलन भी उस पर इसका डेरिवेटिव यानी कह सकते हैं डेरिवेटिव के जो अवकलन है वो भी यहाँ पर डेरिवेबल के अवकलनी है यानी कि कहीं पर भी इसका अवकलन की जो वैल्यू है हिंदी से जो इसके थ्री ए टू थ्री का है ये कहीं पर भी जो है इंफाइनाइट या इंडिपेंडेंट के रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है यानी धारी नहीं प्राप्त हो रहा है तो कह सकते हैं कि फाई जो है संतत है फाई अवकलनीय है। और इसी प्रकार से समीकरण दो से हम ये कह सकते हैं कि फाई जो है रोल करने की तीसरी शर्त जो फाई ए तीसरी शर्त को भी संतुष्ट करता है तो इन तीनों शर्तों को संतुष्ट करने के कारण यहाँ पर रोल करने की शर्तों को संतुष्ट करने के कारण थीटा ग्रस्त 01 ऐसा जो बिंदु है फाई एच के प्रति विद्यमान होगा जहाँ पर वो जीरो के बराबर होगा और तीन जो पॉइंट जो पी के रूप में प्राप्त करते हैं वो उसी इंटरवल में है। अब आप यहाँ पर एक बार इसका अवकलन करें जो पद है वो सभी जो पद है वो हो जाएंगे केवल और केवल लास्ट की जिसमें दो पद है वो लास्ट की पदों के डिफरेंशिएशन की तौर पर भी देखते हैं कि n माइनस वन ए प्लस एच माइनस पावर एन माइनस टू जो है सर्कुलर एन माइनस वन को एन माइनस वन सर्कुलर है एन माइनस वन से एन माइनस वन के एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस ए प्लस एच माइनस पावर एन माइनस वन अपॉन सर्कुलर एन माइनस वन एफ ऑफ एन एक्स अभी कुछ होते हैं क्या जो पद होगा इससे पहले वाला जो पद होगा उसके साथ ये बन बदला सकते हैं ये पद एक एन लेकिन पी ए प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर पी माइनस वन एंड टेन ए ये दो जो पद है बाकी सभी पद प्रकार से फायदे सकते हुए हमारे पास बी प्लस है ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन ऐसा ना सी ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर सी माइनस नाउ कुछ ए प्लस अब आप इसके अंदर क्या करें जब ये रोल करने के तीनों शब्दों को संतुष्ट करता है सारे पक्षी अब यहाँ पर इसके डेरिवेटिव के डेस्ट के रूप में इसके डिफेंसेस के रूप में जो हम अर्थ सी इसको जीरो जो कुछ करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्स को हम एक अस्सी ग्राम करके उसका जो सीता मान है वो ज्ञात
classes there, after paper, and weekend. I did paper, see that, input, input, x minus, after the a, minus, see that, power, n minus 1, about, after the n minus 1, after, a plus, see that, plus, c, a plus, x minus, a minus, see that, the whole power, c minus 1, A, P, S T power, P minus 1. 1 minus theta T power, P minus 1. Is equal to S T power, N minus 1. 1 minus theta T power, N minus 1. Upon, factor is N minus 1. F and A plus theta S. Divided by 1. Root of coefficient of A. And we get the value of A and put that. Very A will be 5. So from A to into the hand there. The part of N T power N minus 1. 1 minus theta T power N minus 1. Factor N minus 1. That has A plus theta S. Divide by A. A divide by A. S T power you have. यहाँ पर p माइनस वन अब देखिए ये जो पावर है ऊपर जाएगी तो आपके पास एच की पावर है n माइनस पी एक वन से वन जो है कैंसिल हो जाएगी नीचे p फैक्टर n माइनस वन और वन माइनस थीटा की पावर n माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा तो ये मान जो हमें एक का प्राप्त हुआ है इस एक के मान को हम समीकरण पांच में रखेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको हम प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार से हम टेलर थ्योरम बेसिक लॉरेंट एंड्रोसियस फॉर्म ऑफ एलेंडर के रूप में हमारा जो रिक्वायर्ड स्टेटस हम ज्ञात करेंगे इसके अन्य फॉर्म और इसके अगली जो मैक्लॉरिन फॉर्म है उसको हम अगले बड़ी बच्चे पढ़ेंगे थैंक यू फॉर